हेलो फ्रेंड्स, मालवा रेसिपीज डॉट कॉम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ एक सब्जी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही टेस्टी है। उसका नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। आज मैं बनाने वाली हूँ करेले की भरवा सब्जी। हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना, मैं भरवा करेले बनाने जा रही हूँ, लेकिन बहुत ही अलग तरीके से बनेंगे और बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो चलिए इसके लिए हम सामग्री देख लेते हैं। सामग्री में मैंने लिया ये भरवा करेले बनाने के लिए छोटी साइज के करेले लगते हैं। इस तरीके के छोटी साइज के अगर करेले की सब्जी हम बनाते तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये मैंने 6 करेले लिए हैं। ये मेजरमेंट करेंगे तो ये 1 पाव लिए हैं। मैंने आधी कटोरी ऑयल लिया है, ऑयल की मात्रा इसमें थोड़ी ज्यादा लगती है। और 1 कटोरी मैंने प्याज ली है, इसे बारीक काट लिया है। और बेसन लिए है मैंने 1 छोटी कटोरी पूरा भर के लिया है। और धनिया पाउडर आधी चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, नमक है सादा नमक लिया है। और यहाँ पे देखेंगे तो मैंने इसमें 5 आइटम लिए हैं। थोड़ी सी सौंफ है, 2 लौंग है, जीरा है और खड़ा धनिया है और थोड़ी राई ली है। तो ये तो हो गई हमारी सामग्री, अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये करेले जो है मैंने इन्हें अच्छे से वॉश कर लिए है। अब हम इनकी जो ऊपर और नीचे की जो डंडियां है ये मैंने निकाल दी है और यहाँ पे इस तरीके से हम इनको छील लेंगे। इसे मैं छीलने की जो होती है छीलनी उससे नहीं छील रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा निकल जाता है उसमें। तो मैं जस्ट ऊपर का ही हमें सारे करेले के ये जो दरदरा सा है इसका दरदरा पॉइंट जो है यही बस निकालेंगे। तो इन सारे करेले का हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने काफी अच्छे चिकना कर लिया है और इसी प्रोसेस में सारे जो करेले हैं इन्हें भी चिकना लेंगे। करेलों को मैंने चिकना लिया है और यहाँ पे अब आपको एक प्रोसेस बता देती हूँ कि हमें जो कट लगाना है ऊपर जो टेढ़ा होता है, करेले अक्सर टेढ़े आते हैं तो ऊपर टेढ़ा होता है उसी भाग को हम काटेंगे। और मैंने जस्ट चीरा लगाया है, ये देखिए बहुत ज्यादा चीरा नहीं लगाना है, थोड़ा ही चीरा लगाया है मैंने। और इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से करते हुए इनके जो अंदर के बीज है ये हम खाली कर लेंगे। थोड़ी सी फिंगर की सहायता से हम निकाल लेंगे इसे। बहुत आसानी से निकल जाता है और जब बहुत ज्यादा काट देंगे तो ये जो हमारा करेला है ये पूरा फट जाएगा। ये देखिए बहुत ज्यादा जगह हो गई इसमें और इसी प्रोसेस में मैं सारे इनके जो बीज है इन्हें निकाल लूंगी। ये देखिए मैंने इनके जो बीज है बहुत ही अच्छे से निकाल दिए हैं और ये जो बीज है हम इसे यूज नहीं करेंगे, फेंक देंगे। अगर आपके घर में चलते हैं तो आप खा सकते हैं, नहीं तो हमारे घर में तो नहीं चलते हैं। और इसमें मैंने यहाँ पे नमक ले लिया है, नमक को हम इस तरीके से हल्का हल्का सा लगा देंगे। और यहाँ पे मैंने एक छन्नी ले ली है, ये देखिए इस तरीके की छन्नी में हम इसे जमा देंगे नमक लगा लगा के। मैंने इसमें और नमक लगा लिया, इस तरीके से सारे में नमक लगा लेंगे और जमा देंगे। तो हम इन्हें स्टीम करने वाले हैं। मैंने एक बड़े से धामे में पानी ले लिया है, यहाँ पे एक ये जाली रख दी है और ये जो हमारी छन्नी है इसे हम इसके अंदर रख देंगे, ये देखिए। और इन्हें हम ढक देंगे ताकि, और ढकेंगे पकाएंगे इसे हम 10 मिनट से पहले ही हमें निकालना है, 7 से 8 मिनट हम इसे पका लेंगे। मैंने यहाँ पे करेले के जो बीज थे उन्हें फेंक दिया है और ये देखेंगे ये जो इनके छिलके होते हैं करेले के इनको फेंकना नहीं होता है, ये बहुत ही अच्छे होते हैं, इनका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो प्याज और छिलकों को हम मिला लेंगे एक साथ इस तरीके से, ये हमने मिला लिया है। अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर दिया है, एक पैन गरम रख दिया है और यहाँ पे ऑयल की जो मात्रा है इसे हम पूरा ऐड नहीं करने वाले हैं, आधा ऑयल डाल दूंगी मैं, आधा ऑयल हम बचा के रखेंगे। यहाँ पे मैं लौंग, खड़ा धनिया, जीरा, अजवाइन और सौंफ को डाल देती हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, सारे मसाले हमारे चटकने लग गए हैं। यहाँ पे हम प्याज और हमारा जो करेले हैं इन्हें हम डाल देंगे और इसे हम हल्का ब्राउन होते तक पकने देंगे लो फ्लेम पे। तब तक हमारा जो है करेले है वो स्टीम हो रहे हैं। करेले जो है हमारे स्टीम हो गए, मैंने इन्हें कुल मिलाकर 8 मिनट तक लो फ्लेम पे बॉईल किया है। तो यहाँ पे गैस को हम बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। उधर हमारे करेले जो है स्टीम हो गए हैं, अच्छे से बॉईल हो गए हैं, मैंने इन्हें 8 मिनट बॉईल कर लिया है। यहाँ पे हमारा जो मसाला है ये भी लगभग कुक हो चुका है, यहाँ पे हम सारी सामग्री ऐड कर देंगे, नमक डाल देंगे,
धनिया पाउडर डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे, बेसन डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिला देंगे। मसाले को मैंने 2 मिनट तक पकने दिया है लो फ्लेम पे, खुशबू बहुत ही अच्छी आने लग गई है। और यहाँ पे हमने मिर्ची पाउडर को अभी ऐड नहीं किया था क्योंकि वो जल जाती है, तो यहाँ पे मिर्ची पाउडर को हम ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। भरवा सब्जी हो और उसमें चटपटापन नहीं रहता है तो स्वाद बिल्कुल भी नहीं आता है, काफी अच्छी खुशबू आ रही है और दिखने में भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है हमारा जो मसाला है। मसाले का कलर भी बहुत ही अच्छा हो गया है, बहुत ही अच्छे से पक चुका है हमारा जो मसाला है। अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और मसाले को ठंडा होने का इंतजार करते हैं। मसाला जो है हमारा ठंडा हो गया है और अब हम इनको स्टीम कर, ये स्टफिंग हम इनकी डाल देंगे। दबाते हुए जो मसाला है हम सारा ही भर देंगे और अच्छे से दबा देंगे और इस तरीके से इन्हें चिपका देंगे। इसी तरीके से सारे करेले भर लेंगे। स्टफिंग जो है इतनी जितनी हमने ली थी वो सारी भर दी है और ये बहुत ज़्यादा भर गया है हमारा जो करेला है। ये सारे करेले हमारे रेडी हो चुके हैं भर के, अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर दिया है, एक पैन गरम रख दिया है, यहाँ पे ऑयल डाल देंगे। ऑयल देखिए मैंने पूरा ऑयल नहीं डाला है, थोड़ा सा बचा लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऑयल हमारा गरम हो गया है, करेले को हम इस तरीके से रख देंगे, सारे करेले डाल देंगे इसके। फ्लेम ऑन लो कर देंगे और इन्हें इस तरीके से पलटा देंगे, सभी तरफ से हम भून लेंगे इन करेलों को। करेले जो है मैंने लो फ्लेम पे पका रही हूँ, बहुत ही अच्छा इनका कलर आ रहा है और इनकी स्टफिंग भी बिल्कुल नहीं निकल रही है। बिना धागे से हम बहुत ही अच्छे बना सकते हैं करेले, देख सकते हैं आप काफी अच्छा भुन गया है हमारा जो करेला है और इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है। थोड़ी देर हम और इसे पकने देंगे, इसे हम अच्छा ब्राउन कलर होते तक पकने देंगे। करेले जो है हमारे एकदम अच्छे से पक चुके हैं, कलर इनका ब्राउन हो गया है। यहाँ पे हम गैस को बंद कर देंगे और थोड़ा ठंडा होने का इंतजार करते हैं। तो फाइनली हमारे नए तरीके की भरवा करेले की सब्जी एकदम रेडी हो चुकी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब अगर आपके घर में जो कोई नहीं भी खाता होगा तो इसकी खुशबू सुन के ही वो खा लेंगे, बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। ये प्रोसेस आप जरूर ट्राई करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि बहुत ही नई रेसिपी है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी रेसिपी देखने को सीखने को मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपीज के साथ। हैप्पी कुकिंग।